श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ था। एक बार महर्षि गालव जब प्रातः सुबह सुबह सूर्यार्ध प्रदान कर रहे थे, उनकी अंजलि में आकाश मार्ग से जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई। मुनि को इसे बड़ा क्रोध आया। वे उसे शाप देना ही चाहते थे कि उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान आ गया और वे रुक गए। उन्हें जाकर भगवान श्री कृष्ण से फरियाद की। श्याम सुंदर तो ब्राह्मण्य देव ठहरे, झट प्रतिज्ञा कर ली कि 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देने की। यह उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। ऋषि को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देव की तथा महर्षि के चरणों की शपथ ले ली। गालव जी अभी लौटे ही थे कि देवऋषि नारद बिना झंकारते हुए पहुंच गए। भगवान ने उनका स्वागत किया, आतिथ्य किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभो आप तो परमानंद कहे जाते हैं, आपके दर्शन से लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमर पर विषाद रेखा दिख रही है। इस पर श्याम सुंदर ने गालव जी के सारे प्रसंग को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। अब नारद जी को कैसा चैन आनंद आ गया उन्हें सुनकर। झटपट चले और पहुंचे चित्रसेन के पास। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिर अपनी कुंडली आदि लाकर ग्रह दशा पूछने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम यह सब क्या पूछ रहे हो, तुम्हारा अंतकाल निकट आ पहुंचा है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटों में श्री कृष्ण ने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा कर ली है। अब तो बेचारा गंधर्व घबराया, वो इधर उधर दौड़ने लगा। वो ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी के लोगों में दौड़ता फिर रहा था, पर किसी ने उसे अपने यहां ठहरने तक नहीं दिया। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन उधार ले। अब बेचारा गंधर्व राज ने अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी के शरण में आया। नारद जी दयालु तो ठहरे ही, बोले अच्छे यमुना तट पर चलो। वहां जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ की स्त्री आएगी, उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना, वो स्त्री तुम्हें बचा लेगी। पर ध्यान रखना, जब तक वो तुम्हारे कष्ट दूर कर देने की प्रतिज्ञा न कर ले, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूल कर भी मत बताना। नारद जी भी विस्तृत ठहरे। एक ओर तो चित्रसेन को यह समझाया, दूसरी ओर पहुंचे अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास। उससे बोले, सुभद्रे आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा दिन की रक्षा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। आधी रात को सुभद्रा अपनी एक दो सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वह उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। नारद जी ने दिनोद्वार का महत्व बतला ही रहे थे। सुभद्रा ने सोचा, चलो अच्छा पुण्य लूट ही लूं। वे तुरंत उधर गए तो चित्रसेन रोता हुआ मिला। उन्हें लाख पूछा, पर वो बिना प्रतिज्ञा के बतलाए ही नहीं। अंत में इनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने स्थिति स्पष्ट की। अब तो यह सुनकर सुभद्रा बड़े धर्म संकट में पड़ गई और असमंजस में पड़ गई। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वह भी ब्राह्मण के लिए, और दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत त्राण का निश्चय करके वे उसे अपने साथ ले गए। घर जाकर उन्हें सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन का चित्रसेन मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर जब यह सब ठीक कर लिया, तब द्वारका पहुंचे और शिकन से कह दिया कि महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चलिएगा। तो भगवान ने कहा, नारद जी एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करके देखिए। अब देवर्षि पुनः दौड़े हुए द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुंचे। नारद जी को तो इन सब बातों में मजा आता था। अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, यद्यपि मैं सब प्रकार से कृष्ण के ही शरण में हूं और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, तथापि अब तो उनके उनके दिए हुए उपदेश छात्र धर्म से कभी विमुख न होने की बात पर ही दृढ़ हूं। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं, मैं कहां समर्थ हूं। अब दौड़ कर देवेश अब द्वारका है और ज्यों का त्यों अर्जुन का पूरा वृतांत कह सुना। अब क्या युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। तुमुल युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई और कोई जीत नहीं सका।
अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा तो अर्जुन ने पताशास्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरण किया, उन्होंने दोनों शस्त्रों को मनाया। फिर वे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण लोक सब राखी। भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा का भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है, इसकी तो असंख्य आवृत्तियां हुई होगी, अब तो इस लीला को ही समाप्त कीजिए। बाण समाप्त हो गए, प्रभु युद्ध से विरत हो गए, अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध श्रम से मुक्त किया, चित्रसेन को अभय किया, सब लोग धन्य धन्य कह उठे। पर गालों को यह बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा यह तो अच्छा मजाक है, जो ऋषि थे उन्होंने कहा यह तो अच्छा मजाक है। स्वच्छ हृदय के ऋषि बोल उठे, लो अब मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूं, मैं कृष्ण अर्जुन सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूं। अब बेचारे साधु ने ज्यों ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूं और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर न गिरे। और ऐसा ही हुआ, गालो बड़े लज्जित हुए, उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और अपने स्थान पर लौट आए। तदंतर सभी अपने अपने स्थान पर पधारे। मतलब ओवरऑल यही हुआ कि हुआ कुछ भी नहीं, एक हमारी कहावत है ना, खाया पिया कुछ नहीं गिलास और बाहर आना, वही हाल ये हो गया अर्जुन का और कृष्ण के जो युद्ध था उसका। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।